एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर के मोबाइल में। तो फाइनली देखो यहाँ पे एटम उन लोग को लेना है या नहीं लेना, या फिर चैन ग्रुप लेना है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे और कौन है बेस्ट, किसको आपको पहले लेना है अपने अकाउंट में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको समझा दूँ कि एटम उन लोग को लेने पर क्या फ़ायदा है, चैन ग्रुप को लेने में क्या फ़ायदा है आपके गेम में, आपके अकाउंट में, आपकी आईडी में। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको कैरेक्टर अनलॉक करना है। हर बार बोलता हूँ भाई, यूनिफॉर्म के पीछे मत भागना, पहले कैरेक्टर के पीछे भागो, कैरेक्टर अनलॉक करो पहले, समझ गए। और उससे पहले आपके पास एक अच्छे खासे टीम होनी चाहिए, यस 15, 16, 17 कैरेक्टर होने चाहिए बिल्ड, यूनिफॉर्म होने चाहिए उनके, जो कि सपोर्ट भी हो, डैमेज देने वाले भी हो और लीडरशिप के लिए भी हो। मस्त प्लान है। तो ये पूरे 16-17 कैरेक्टर्स यूनिफॉर्म के साथ में बिल्ड है। तो फिर आप एटम उल्लोक या चैन ग्रे दोनों में से एक कौन सा ले सकते हो, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एटम उल्लोक की बात करें तो एटम उल्लोक के ऊपर देखो अभी कैरेक्टर है, ये हमको बिना डिस्काउंट के 6600 क्रिस्टल में पड़ता है। ओके, आपको पता है, हाँ पता है भाई, 6600 क्रिस्टल में बिना डिस्काउंट के पड़ रहा है। लेकिन अभी डिस्काउंट 20% 5280 क्रिस्टल में पड़ेगा। लेकिन भाई बाकी सब जो जितने भी प्रीमियम, ये प्रीमियम ने इसको क्या बोलेंगे, ये जितने भी एक तरह से पेड कैरेक्टर्स है ना, क्रिस्टल देकर मिलते हैं, ये जो महंगे कैरेक्टर हैं भाई, इनका डिस्काउंट आता है ब्लैक फ्राइडे सेल में, यस 30% ऑफ रहते हैं आइटम उन लोग के ऊपर। तो 30% ऑफ के हिसाब से भाई 4000 के आसपास एटम उल्लोक का कैरेक्टर मिलता है ब्लैक फ्राइडे में। ब्लैक फ्राइडे का बात है नवंबर के लास्ट में, यस नवंबर का महीना जब ख़त्म होने वाला रहता है ना, उसके 5-6 दिन पहले ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट होता है, तू समझा। हाँ, एंड उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं एटम उल्लोक कुछ वही 4000-4500 के क्रिस्टल के आसपास। लेकिन अभी अगर इसको लेते हैं, देखो यूनिफॉर्म के साथ मैं जोड़ता हूँ, इसको लेने के बाद हम इसको बिल्ड करेंगे तो हमको कुछ क्रिस्टल हमें रिटर्न मिलते हैं, मतलब वापस मिलते हैं। तो दिखा दो जरा। तो देखो इसको अगर हम 60 लेवल करते थे, ओके 60 लेवल टच करेंगे तो हमको 1100 क्रिस्टल रिटर्न मिलेंगे। एंड और अभी आप ये लेते हो एटम उल्लोक, ध्यान से सुन लो, कहाँ काम आएगा बता दूँगा। एटम उल्लोक अभी लेते हो तो अभी आपको 180 क्रिस्टल ज़्यादा देने पड़ेंगे, यस यस यूनिफॉर्म के साथ में बोलूँ, आपको 5280 क्रिस्टल का कैरेक्टर ले रहे हो, आपको 1100 क्रिस्टल वहाँ से रिटर्न मिले, आपको मिल, आपको कितने कितने आपको लेने पड़ेंगे, पूरे 400 क्रिस्टल वैसे ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 606 मतलब, अरे कहना क्या चाहते हो, 6600 क्रिस्टल का अगर आप लेते हो तो आपको 400 क्रिस्टल ज़्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर वहीं पे भाई डिस्काउंट है तो इस हिसाब से भाई 180 क्रिस्टल आपको थोड़ी मतलब ज़्यादा देने को मिले। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, मैं पढ़ने वाले ऐसे तो आप 1100 क्रिस्टल तो कैरेक्टर बिल्ड पे लेवल 60 पे मिल जाएंगे, लेकिन हमको 400 क्रिस्टल अपनी तरफ से लगाना है। एंड यहीं कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा क्योंकि अभी देखो मेरे पास क्रिस्टल नहीं है, ओके। तो मेरे हिसाब से जब मेरे पास क्रिस्टल हो जाएंगे तो भाई 6600 में इसको लूँ या फिर चैन ग्रे। चैन ग्रे भी है जो कि एपिक कॉस्ट में एक्स मैन के मैग्नेटो का डिलक्स पैक खरीदने पे, मतलब परचेस करने पे चैन ग्रे अनलॉक होगी, समझे। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि हम 6600 क्रिस्टल में मैग्नेटो का डिलक्स पैक लेंगे, इसके अंदर ही हमको 1500 क्रिस्टल वापस मिलेंगे, यस 1500 क्रिस्टल हमें यहाँ रिटर्न मिलेंगे। एंड उसी 1500 क्रिस्टल से हम जाके झट से 40% ऑफ से ले सकते हैं चैन ग्रे का यूनिफॉर्म, यस 40% सेल ऑल यूनिफॉर्म पे आती है जब, तब चैन ग्रे का यूनिफॉर्म हम बाय कर सकते हैं, ओके। सिर्फ और सिर्फ हमें चैन ग्रे पड़ेगी 6600 क्रिस्टल में। एंड वहीं एटम उल्लोक को लेंगे तो वहाँ पे आपको 400 क्रिस्टल कैसे भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से यूनिफॉर्म और साथ में कैरेक्टर मिला के 7000 क्रिस्टल का सिर्फ एटम उल्लोक हमें मिलेगा। लेकिन अभी डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट के हिसाब से भाई 180 क्रिस्टल ही कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपके 6600 क्रिस्टल रहेंगे तब बोल रहा हूँ, ओके। वरना आप 580 क्रिस्टल दे रहे हो तो समझ लो 1100 क्रिस्टल वापस मिलेंगे लेवल 60 करने पे, फिर आपको 400 क्रिस्टल कैसे भी जमा करके एटम उल्लोक का यूनिफॉर्म लेना है लेटेस्ट वाला। अब बात आते हैं भाई दोनों में से बेस्ट कौन सा है, किसको लेना चाहिए। और नए प्लेयर स्टार्टिंग में बोल दिया, पहले आपके पास ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो आपको अलायंस बैटल में यूज़ हो, वर्ल्ड बॉस लेजेंड में यूज़ हो,
और जी बी आर में यूज़ हो। डेली की बात करूँ अगर डेली, ऐसा नहीं कि भाई हफ्ते में एक मतलब रोज़ रोज़ जो एक ऐसे टीम बनाऊँ जो आपका डेली मैच क्लियर करें, समझ गए। तो 15 से 16-17 कैरेक्टर बिल्ड एंड यूनिफॉर्म के साथ हो, तब जाके चेंज करें। एडम वुडलॉक की तरफ नज़र दो एंड ध्यान दो, समझे। तो यहाँ बताते हैं चेंज करें वर्सेस एडम वुडलॉक में कौन बेस्ट रहेगा। अभी मजा आएगा ना। देखो अभी एडम वुडलॉक आए, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, ओके, एकदम वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करे। स्पेशल टाइम या मेटल की बात करूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर भाई टाइम या मेटल के लिए स्पेशल बोलूँ, ये जो टाइम या मेटल आप देख रहे हो इसके अंदर ही एडम वुडलॉक बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करे। एंड मैंने इसके अंदर टेस्ट भी किए, यस मेरे पास एडम वुडलॉक है लेकिन दूसरे अकाउंट में, एंड वो फुल बिल्ड नहीं है, यानी कि लेवल 60 है लेकिन अभी उसका केयर अपडेट करने में मुझे गोल्ड की कमी है दूसरे अकाउंट में। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं बताऊँ तो इस अकाउंट से मैंने एडम वुडलॉक के मतलब एडम वुडलॉक सामने वाले की टीम में था, एंड जो मैं मारूँ ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है कि जब हम एडम वुडलॉक लेवल 70 पे होते हैं ना भाई, कोई भी मार दे रहा, मतलब हल्का ना लेवल 70 पे एडम वुडलॉक अगर अपनी स्किल मतलब थोड़ी लेट यूज़ करें तो भाई हल्का की फॉर स्किल से एडम वुडलॉक नहीं बच पा रहे लेवल 70 की बात करूँ। एंड वहीं बात करूँ लेवल 80 की, तो लेवल 80 पे भाई किल मतलब हल्का है, गॉड ऑफ वॉर कुछ चल रहा है, ये सब भाई साइड में। हाँ स्पाइडरमैन देखो, स्पाइडरमैन हम थोड़ा भागेंगे, स्पाइडरमैन के फोन नंबर स्किल जब ओपन हो, फोन नंबर स्किल ये वाली जब ओपन हो जाए तब जाके स्पाइडरमैन एक बार मार देता है, लेकिन जब स्किल इसकी ओपन नहीं हुई है, फोन नंबर की जो स्किल है ये ओपन नहीं हुई स्पाइडरमैन की, तो समझना भाई सामने एडम वुडलॉक रहेगा भाई, झट से इसको ख़त्म कर देगा। तो ये समझ लो एडम वुडलॉक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बता दे रहा हूँ, स्पेशल फॉर पीवीपी यानी टाइम लाइन बैटल। क्या नाम इसका नया मोड कौन सा है, अदर वर्ल्ड बैटल में, ये दोनों जगह भाई बहुत यूज़ होने लगे। अब बात आती है भाई जेन ग्रे क्या बाय बाय टाटा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। नहीं जो जेन ग्रे है अभी, ओके पता है जब एडम वुडलॉक नहीं आया था मतलब ये नहीं आया था तब ये जो जेन ग्रे भाई ये तबाही मचा रही थी और है, यस थी भी है और है भी, क्योंकि अगर हम इसे ये देखो ये जो कैरेक्टर है चेंज करें इसे हम दो तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, पहला बिल्ड रहते हैं पीवीपी के लिए और दूसरा बिल्ड रहते हैं पीवीई के लिए, और इसका कस्टम गेयर रहता है, मतलब कस्टम गेयर आपको पता है ना भाई सीटीपी लगाओ या फिर ऑब्लेक्स लगाओ ये, लेकिन जो चेंज करें भाई वो दोनों जगह काम आती है, समझे, दोनों जगह मतलब पीवीई में भी काम आएगी एंड पीवीपी में भी काम आएगी। और पीवीपी में आपको कस्टम गेयर यानी अगर आपको सिटी भी लगानी है तो पीवीपी के लिए टाइम में बदल के लिए देखो अथॉरिटी माइटी रिफाइनमेंट या फिर माइटी ग्रेट, ये तीनों में से मतलब तीनों अगर आपके पास है तो कोई सा भी एक लगा दो यार, अथॉरिटी है माइटी रिफाइनमेंट है या फिर माइटी ग्रेट है। हाँ रीजनरेशन भी लगा सकते हो लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब रीजनरेशन नहीं लगाते लेकिन लगा सकते हो मतलब काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग अथॉरिटी माइटी रिफाइनमेंट या फिर माइटी ग्रेट ये तीनों में से कोई एक लगाओ। ई के लिए आपको उसको रेज देना पड़ेगा, मतलब जेन ग्रे को रेज देना पड़ेगा या फिर एनर्जी के साथ, नहीं रेज के साथ ही बढ़िया काम करती है तो रेज के साथ दे सकते हो, अभी मेरे पास है नहीं, ओके मेरे पास है नहीं लेकिन ये मैं देखा हूँ रेज के साथ बढ़िया काम करती है। और पीवीपी के लिए बिल्ड कर रहे हो तो अथॉरिटी या रिफाइनमेंट या फिर ग्रेड वाला, ये तीनों में से एक सिटी पे देना पीवीपी के लिए बेस्ट रहेगा। और बात आती है यहीं पे जो एडम वुडलॉक है, एडम वुडलॉक को देखो इसको आप सिटी पे पहले इसके ऊपर सिटी पे एनर्जी अच्छा काम करती थी लेकिन अभी इसके ऊपर सिटी पे माइटी ग्रेड है या फिर माइटी अथॉरिटी माइटी रीजनरेशन ऐसे सब लग रही है, लेकिन अभी एक चीज़ कन्फर्म है, लेकिन ये कन्फर्म है ये पीवीपी कैरेक्टर है, धमाका कर रहा है। तो अब दोनों में से एक कौन सा लूँ बताऊँ, बताऊँ कौन सा लूँ, मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले आप लोग जेन ग्रे को, यस मैं भी फर्स्ट जेन ग्रे को ही बाय करूँगा, मैग्नेटो डिलक्स पैक लूँगा, क्योंकि भाई जेन ग्रे कमज़ोर नहीं हुई है, ओके आप लोग सोचेंगे भाई एडम वुडलॉक आ गया, एडम वुडलॉक जेन ग्रे को पीछे छोड़ दिया है, ना बाबा ना, जेन ग्रे को मतलब लेना है तो देखो ये जेन ग्रे को मैं एकदम ईजी मतलब इसको लूँगा, ये इसका पूरा मैग्नेटो को टीयर टू करूँगा, टीयर टू करने के बाद जट से 1500 क्रिस्टल आएंगे, फिर अगले महीने जो 40% ऑफ सेल आएगा ना ऑल यूनिफॉर्म, तब जाके मैं जेन ग्रे का यूनिफॉर्म मतलब अगले महीने 90 दिन का चैलेंज किया इस अकाउंट में, तो शायद से मुझे 2 महीने इंतज़ार करना पड़े, अभी तो कितना
फोर वीक वाली वीडियो आना बाकी है, तो ये हिसाब से भाई बोलूँ जैन गिरे हो, मैं बोलूँगा भाई बहुत बेस्ट है। अगर आप एडम बोलो के पीछे भाग रहे हो, सुन लो एडम बोलो अगर आप ले रहे हो एक बार ध्यान से सुनो, तो ये पीवीपी के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, और ये आप ले सकते हो अगर आपके पास अभी के टाइम पे क्रिस्टल है। यस, अभी इस अभी जस्ट अभी ये 20% ऑफ में मेरे, और ये मोस्ट मतलब मोस्ट पावरफुल बोलो पीवीपी का किंग एडम लॉक अभी है। सच बोल रहा हूँ, अभी नया नया है, एंड मैं बोलूँगा इसके साथ आगे कुछ मतलब ज़्यादा उसके चेंजेस ना करें स्किन में, बस ये बोलूँगा। बफ नफ सब चलते रहता है, तो मैं बोलूँगा ना करेंगे मोले। तो ये जो अपने को 20% ऑफ अभी देखने को मिल रहा है, तो अगर आपके पास 5280 क्रिस्टल है, झट से जाओ एडम वॉलॉक को कैरेक्टर ले लो नए प्लेयर। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी एडम वॉलॉक है तो भाई यूनिफॉर्म लेने का किसका इंतज़ार कर रहे हो, एडम वॉलॉक का कैरेक्टर भी है तो जाके यूनिफॉर्म बाय करो, समझे। कैरेक्टर है तो यूनिफॉर्म ले लेने का लेटेस्ट वाला, तो ये समझ जाओ। एंड मैं यही बोलना चाहता था एडम वॉलॉक क्यों क्यों मैं बोला भाई कि 20% ऑफ आए एडम वॉलॉक का, सबसे पहले तो 20% ऑफ आए, और ये सेल अगर गई दो दिन बचाए, ये सेल हाथ से गई तो आपको 5 या 6 महीने बाद नवंबर का महीना आएगा, नहीं 5 महीने बाद, सही से 5 महीने बाद आएगा नवंबर में ब्लैक फ्राइडे। तो 5 महीने तक आप एडम वॉलॉक से पिटोंगे वो आपके ऊपर है। मैं तो अपने दूसरे अकाउंट में था, क्रिस्टल भी थे, डिस्काउंट भी था और मेरा मन भी था, तो मैंने एडम वॉलॉक को ले लिया। खुली बात है भाई, अगर आपको लेना है एक पीवीपी कैरेक्टर और बाकी के सब आपके कैरेक्टर बिल्ड है, जैसे आपके पास सब कैरेक्टर वर्ल्ड बॉस लेजेंड डेली क्लियर कर पा रहे हो, जीवीआर अच्छे से हो रहे, तो भाई किसकी देरी की बात है, एडम वॉलॉक के ऊपर डिस्काउंट ले लो। हाँ, अगर डिस्काउंट चले गए तो मैं बोलूँगा भाई जैन गिरे वन ऑफ द बेस्ट होगी। फिर अगर 6600 क्रिस्टल में इसको ले रहे हो, सिर्फ कैरेक्टर ले रहे हो, तो भाई मेरे जैन गिरे को बाय कर लो, इतने बोलूँगा। 6600 क्रिस्टल में अगर आप डिस्काउंट जाने के बाद वीडियो देख लो ना और 6600 क्रिस्टल जमा कर लियो, तो मैं बोलूँगा भाई जैन गिरे को बाय कर लो, क्योंकि जैन गिरे को भी एडम वॉलॉक मतलब जैन गिरे है ना एडम वॉलॉक को भी मार दे रही है, लेकिन उसकी तरह आपको पीवीपी की तरह बिल्ड करना रहेगा, और आपके पास कार्ड वोड भी अच्छे रहने चाहिए इस हिसाब से बोल रहा हूँ, और पीवीपी की तरह उसको जैन गिरे को बिल्ड करोगे। 6600 क्रिस्टल में अगर आप बोलूँगा ये लूँ या फिर 6600 क्रिस्टल में एडम वॉलॉक, तो मैं बोलूँगा पहले ये लो, फिर उसके बाद जाके एडम वॉलॉक नवंबर में लेना, और मेरा भी सेम यही प्लान है। मस्त प्लान है। यस, इतनी बड़ी इतना मतलब 12 मिनट 21 सेकंड हो गए हैं, एंड यहाँ पे मैं आपको अपना जो मैं जो करने वाला हूँ वो बताऊँ। सबसे पहले तो भाई चैन ग्रे का जो 90 दिन का चैलेंज है अनलॉक करने का वो पूरा करूँगा, और उसके बाद मैं चैन ग्रे को अनलॉक करूँगा, जो कि मैं पीवीई की तरह बिल्ड करूँगा, यानी इसको ग्रेड दे दूँगा रिफाइनमेंट या फिर अथॉरिटी, जो भी सिटी भी अच्छी वाली आती है पीवीपी के लिए मैं इसको लगा दूंगा, और पीवीई के लिए जैन गिरे को बिल्ड नहीं करने वाला, पहले बोल दे रहा हूँ मेरे इस अकाउंट में, क्योंकि पीवीई के लिए मेरे पास ऑलरेडी भर भर के कैरेक्टर पड़े हैं, तो इसको मैं पीवीपी बनाऊंगा ताकि ये एडम वॉलॉक को टक्कर दे सके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे सके, समझे। तो इस हिसाब से ये मेरा प्लान है। फिर उसके बाद जब नवंबर का महीना आएगा, नवंबर के महीने तक तो भाई जैन गिरे अच्छे खासे क्रिस्टल तो जमा कर लेगी, है ना, टाइम में बैठे से अच्छे खासे क्रिस्टल मुझे निकाल के देगी पैसा ही पैसा होगा। और फिर उसके बाद नवंबर के महीने में जब डिस्काउंट आएगा कुछ 4000-4500 का क्रिस्टल का हमको एडम वॉलॉक पड़ेगा, मैं झट से जाऊँगा एडम वॉलॉक को लूँगा, एंड फिर उसका लेटेस्ट यूनिफॉर्म भी ले लूँगा। तब तक ये अभी तो देखो मेरे पास क्रिस्टल नहीं है, एंड ये डिस्काउंट चले जाने वाला है 2 दिन में, और ये पहले बोल दिया अगर आपके पास अभी क्रिस्टल है, अब बाकी सब कैरेक्टर आपके पास ऑलरेडी है, जीबीआर क्लियर करे हो, 5 मतलब वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करो, पहले जाओ एडम वॉलॉक को लो, डिस्काउंट अभी है, वरना 5 महीने तक आप एडम वॉलॉक से पिटोंगे। अगर कैरेक्टर नहीं है तो जिनके पास कैरेक्टर नहीं उनकी बात करो, ओके। और यूनिफॉर्म तो भाई लेना है, कैरेक्टर है आपके पास एडम वॉलॉक का, तो यूनिफॉर्म लेने में देर मत करो, जाके 40% सेल ये भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मैंने पहले ही बोल दिया था 2 दिन मतलब ट्यूसडे को सब सेल ख़त्म हो जाएगी, इवेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई जाके एडम वॉलॉक का 1500 क्रिस्टल में यूनिफॉर्म उठा लो, ले लो, मज़ेदार है, बढ़िया है, बोलूँ तो पीवीपी का किंग, समझे। तो समझ जाओ दोनों में से बेस्ट कौन है, आपको बता दिया। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।